लंका थाना वाराणसी में 20 जुलाई की शाम को, आज से दो दिन पहले, एक पशु आहार का कारोबार करने वाले व्यापारी का पेमेंट लेके जब उसके दो कर्मचारी जा रहे थे, उस पे 9 लाख की धनराशि को दो व्यक्तियों द्वारा मोटरसाइकिल से छीन लिया गया। आज इस घटना में शामिल सभी 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके पास से 9 लाख रुपये बरामद कर लिए गए हैं। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और उनके पास से असलाह, कारतूस, ये सब बरामद कर लिया गया है। इस घटना में कुल 4 लोग शामिल थे, जो दो मोटरसाइकिल पर उस दिन घटना को उन्होंने अंजाम दिया। इस घटना को करने के लिए दो में से एक मोटरसाइकिल को 5 दिन पहले BHU से चुराया गया था। इस चोरी की घटना के अलावा इन अभियुक्तों का कोई और आपराधिक इतिहास अभी प्रकाश में नहीं आया है, उसकी जाँच चल रही है। बहुत ही अल्प समय में हमारी टीम ने 100% इस घटना का अनावरण किया। इसके लिए IG रेंज महोदय द्वारा टीम को 30,000 रुपये का नकद पुरस्कार और मेरे स्तर से भी पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र दिए जाने की बात कही गई है। इस टीम का नेतृत्व SP सिटी विकास त्रिपाठी, CO भेलूपुर ने किया। अश्विनी जो क्राइम ब्रांच प्रभारी, उन्होंने बहुत अच्छा अपनी टीम को लीड किया और क्राइम ब्रांच और जनपदीय थाना पुलिस के संयुक्त प्रयास से अल्प समय में इन 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और सारे महत्वपूर्ण साक्ष्य इस घटना से संबंधित हम लोगों ने बरामद कर लिए। तो सर, पूछताछ के दौरान क्या कुछ निकल के आया कि ये घटना को कारित क्यों करते थे? इनके द्वारा लूट की पहली घटना इनके द्वारा बताई जा रही है। इसमें से एक अभियुक्त जो विशाल है, ये इसी पशु आहार का कारोबार करने वाले व्यापारी की दुकान पर ही काम करता था और ये पूर्व में स्वयं भी कैश ले जाया करता था। इसके विचार में आया कि जब कोई और कर्मचारी ये कैश लेकर के जाएगा तो उसको छिनवा दिया जाए। तो घटना वाले दिन दो अन्य कर्मचारी उस कैश को लेकर के जा रहे थे। इसने पीछे से मुखबिरी करी। ये लड़के पहले से वहाँ पर मौजूद थे क्योंकि उस दिन कैश ले जाने की संभावना थी और इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। हमको इस घटना से जुड़े सभी महत्वपूर्ण साक्ष्य मिल गए हैं और इनके खिलाफ़ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।